चलिए ध्यान दे, हम लोग पढ़ रहे थे कि क्लास ट्वेल्थ का स्टार्ट किए थे, किए थे हमने क्लास ट्वेल्थ का मैथ पढ़ रहे हैं। कौन सा मैथ? एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है ना। क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी मैथ में स्टार्ट किए थे क्या? इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्री जिसमें प्रश्नावली 2.1 हो गया था। देखेंगे प्रश्नावली 2.2, क्या देखेंगे? प्रश्नावली 2.2। तुम लोगों को कुछ अलेवन का सूत्र भी पता होना चाहिए, अलेवंथ में पढ़ा था ना, अलेवंथ में नहीं पढ़ाए थे त्रिकोणमिति, अलेवंथ का भी सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है ना। अलेवन का सूत्र कुछ यूज इसमें होगा तो अलेवन का सूत्र भी पता होना चाहिए, ठीक है। पहले हम कुछ सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जो सूत्र यूज होगा, ठीक है ना, फार्मूला। अलेवन का कौन कौन सूत्र पता होना चाहिए? तो देखें यहाँ पर अलेवन का तुमको पता होना चाहिए, एक तो साइन थ्री एक्स बराबर पढ़ाए थे अलेवन में, साइन थ्री थीटा या साइन थ्री एक्स पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे साइन थ्री थीटा बोले, अल्लाह स्टार्ट हो गया, साइन थ्री थीटा बोले या साइन थ्री एक्स बोले या साइन थ्री वाई बोले, उसको कोई दिक्कत ना है ना। तो बता क्या होता है, जल्दी बता दे सूत्र तुम लोग का, अलेवन वाला जल्दी बताओ, अलेवन वाला भी कुछ सूत्र लगेगा। तो साइन थ्री थीटा बराबर होता है थ्री साइन थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, एक तो ये सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद उसी प्रकार कोस थ्री थीटा पढ़ाए थे तुम लोग को, कोस थ्री थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे? तो पढ़ाए थे फोर कोस क्यू थीटा, यानी वाला पहले लिखने लगे, और माइनस थ्री कोस थीटा, ये हम पढ़ाए थे क्या, कोस थ्री थीटा बराबर, ये सूत्र भी यूज होगा। और जो सूत्र का यूज होगा हम बता देते हैं, और होगा टेन थ्री थीटा का यूज, किसका होगा? टेन थ्री थीटा। तो टेन थ्री थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टेन थ्री थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे? थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ाए थे, कुछ नहीं याद है तुम लोग को बंदर? ये सब क्या कब पढ़ाए थे? अलेवंथ में पढ़ाए थे, अलेवंथ के ट्रायग्नोमेट्री त्रिकोणमिति ये पढ़ा रहे थे सब तब, ठीक है ना। तो इसका भी यूज होगा। और एक तुम लोग को पढ़ाए थे ये वाला टेन एक्स प्लस वाई बराबर पढ़ाए थे, कुछ पढ़ाए थे जल्दी बताओ, याद आ रहा है कुछ पढ़ाए थे जल्दी बताओ, क्या पढ़ाए थे? टेन एक्स प्लस टेन वाई बटा वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई पढ़ाए थे। तो इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अलेवंथ का, ये किसका हो गया? अलेवंथ का। अलेवंथ में और तुम लोग को पढ़ाए थे, अलेवंथ में तुम लोग पढ़ाए थे वन माइनस, देखा पर अलेवंथ का जो जिसका यूज होगा अभी हम तुरंत लिखे, उसके बाद ट्वेल्थ का भी लिखाएंगे। तो वन माइनस कोस टू थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे जल्दी बताओ? तो लिखाए थे टू साइन स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? वन माइनस कोस टू थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बताए इसी प्रकार, इसी प्रकार बताए, यहाँ दो गो थीटा था तो यहाँ एक गो थीटा हो गया, बताया था अलेवंथ में इस तरह। अगर यहाँ मान लो एक गो थीटा रहता कितना रहता है? यहाँ देख आधा थीटा ना हुआ रे, यहाँ पर वन माइनस कोस टू थीटा था ना, तो एक गो थीटा हो गया ना। अगर मान लो यहाँ पर एक गो थीटा रहता कितना थीटा रहता? तो कितना होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा बटा टू हो जाता ना, हो जाता। यहाँ दो गो था तो एक गो हो गया, आधा हुआ, तो यहाँ एक गो होता और आधा हो जाएगा, होगा? तो ये भी सही है और ये भी क्या है? सही। उसी प्रकार तुम लोग पढ़ाए थे वन प्लस कोस टू थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे जल्दी बताओ? तो पढ़ाए थे तुम लोग को टू कोस स्क्वायर थीटा, ये पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? टू कोस स्क्वायर थीटा, ये अलेवंथ में पढ़ाए थे, इसका यूज अभी थोड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम इसको, यहाँ पर दो थीटा है ना, अभी ले लेते हैं एगो थीटा, क्या बोल लेते हैं? एगो थीटा। तो एगो थीटा लेंगे तो यहाँ दो गो था तो एगो हुआ, यहाँ एगो था आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा बटा टू, समझ तुम लोग का आया? फिर तुम लोग को पढ़ाए थे अलेवंथ में, तुम लोग को पढ़ाए थे क्या? तो अलेवंथ में पढ़ाए थे साइन टू थीटा, क्या पढ़ाए थे? साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा क्या पढ़ाए थे? पढ़ाए थे टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, पढ़ाए थे, याद आ रहा है? टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ दो गो थीटा है, तो कई गो थीटा हो गए? एक हो गया, आधा हो गया। तो मान लो इसी प्रकार हम लिख दिए एगो थीटा, क्या लिख दिए? साइन थीटा लिख दिए, क्या लिख दिए? खाली यहाँ दो गो है ना, लिख दिए एगो। तो क्या होगा? यहाँ दो गो था तो एगो हो गया, आधा हो गया, तो यहाँ पर एगो है तो क्या हो जाएगा? आधा, यानी टू साइन थीटा बटा टू और कोस थीटा बटा टू, समझ तो उनका आया? तो ये सब सूत्र का अभी यूज होगा, क्या होगा? अब देखें यहाँ पर, अब जो हमको पढ़ना है ये ट्वेल्व के लिए है, ठीक है ना। ये अलेवन वाला इतना सूत्र का अभी यूज होगा, ठीक है, तो हम लिखवा दिए, इस इतना सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अभी आपका पढ़ना है, तो पढ़ना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है? तो इसके बराबर हो जाएगा
टेन इनवर्स, टेन इनवर्स यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ भी प्लस एक्स प्लस वाई और नीचुआ माइनस, वन माइनस एक्स इंटू वाई। क्या हो गया, हो गया सूत्र, एक तो सूत्र ये वाला ट्वेल्व में हो गया, डायरेक्ट ट्वेल्व में, इलेवन पढ़ाए थे ना, ये ट्वेल्व के लिए। उसी का मान लो यहाँ देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई दे, यहाँ प्लस था अब दिए माइनस, क्या दिए यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस दिए, यहाँ माइनस ऊपर क्या देंगे माइनस, तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई या माइनस यहाँ नीचे प्लस, समझ तो आया। एक सूत्र इसका यूज होगा, अगर मान लो कि हम इस तरह वो लिख दिए, ठीक है ना, ये एक ठो सूत्र हो गया, एक ठो ये हो गया। अगर मान लो हम इस तरह लिख दिए टू टेन इनवर्स एक्स, क्या लिख दिए टू टेन इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स ना हुआ, अगर दो टेन इनवर्स एक्स थे दो बार जोड़ दिए, इसका मतलब यही हुआ, होता है इसी प्रकार हो गया। तो यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ दोनों जगह एक्स है, तो हो जाएगा एक्स जोड़ एक्स ना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा मेरा टू एक्स, कितना हो जाएगा होगा, फिर वन का वन, फिर यहाँ x और y था तो एक्स वाई लिखे, यहाँ दोनों जगह x है तो हो जाएगा x गुना x यानी एक्स स्क्वायर ना आ जाएगा, अब प्लस में है तो नीचे हम क्या होगा माइनस, क्या होगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, समझ तो लोग आया। तो टू टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है, टू टेन इनवर्स x बराबर होता है डायरेक्ट सूत्र होता है टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स बराबर तुम लोग को हम तीन सूत्र पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे टू टेन इनवर्स x बराबर, एक सूत्र और होता है वो साइन में होता है, किसमें होता है साइन में, वो क्या होता है तो होता है टू एक्स बटा, सॉरी यहाँ टेन देना भूल गए, पहले टेन दे, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टू एक्स बट्टा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर सूत्र और होता है किसमें होता है साइन में, किसमें होता है साइन में होता है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऊपर हम देना है टू एक्स और नीचे हम यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ देना है प्लस, जैसे प्लस देंगे तो साइन में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा साइन में, समझ तो लगा आया। उसी प्रकार टू टेन इनवर्स एक्स बराबर एक सूत्र और होता है, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर एक सूत्र और होता है, होता है कोस में, किसमें होता है तो कोस इनवर्स, कोस इनवर्स ऊपर में वन माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, याद हुआ। तो ये चारों सूत्र एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र हो गया, ये तीनों समझ गए ना, ये सब कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। ये तो अलेवन वाला ही है, ये कहाँ वाला है अलेवंथ वाला है, कहाँ वाला है, तुम लोग को हम पढ़ाए थे 2.1 में, तुम लोग को बताए थे 2.1 में, तुम लोग को बताए थे यहाँ इस तरह बताए थे साइन इस तरह बताए थे साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर, ये माइनस का बाहर होता है, बताए थे माइनस साइन थीटा बताए थे, जल्दी बता, बताए थे बोलना, बताए थे उसी प्रकार तुम लोगों को बताए थे क्या साइन, उसके बताए थे टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर, तो माइनस बाहर, माइनस बाहर हो जाता है, और इस तरह तुमको अलेवन ही बताए थे कि इस लोग का माइनस कहाँ चलता है बाहर, कहाँ जाता है, उसी प्रकार होता है कोट इनवर्स कोट का नहीं, यहाँ पर होगा क्या तो साइन हो गया, टेन हो गया, और यहाँ पर ले लेते हैं साइन टेन का उल्टा कोट, और यहाँ लेते हैं क्या कोस नहीं होगा, साइन का हो गया कोसेक, कोसेक होगा, क्या होगा, ठीक है ना, तो कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस बराबर क्या आ जाएगा, तो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा। उसी प्रकार तुम लोग को तीन को अलग लिस्ट बनाए थे, बनाए थे, बताए थे साइन इनवर्स अति साइन का नहीं, किसका, तो यहाँ पर ले लेते हैं क्या, तो यहाँ ले लेते हैं हम कोस का, किसका लेते हैं कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर, तो पाई में घट के लिखा था, किसमें घट के लिखा था पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, उसी प्रकार ले लेते हैं कोट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो पाई में घट के लिखाएगा कोट इनवर्स थीटा, कोट इनवर्स थीटा पाई में घट के, उसी प्रकार ले लेंगे क्या, तो उसी प्रकार लेंगे सेक, क्या लेंगे सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या जाएगा पाई माइनस हो जाएगा यहाँ पर सेक इनवर्स थीटा, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। और तुम लोग को पढ़ाए थे 2.1 में पढ़ाए थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, पढ़ाए थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना पाई बाय टू, क्या पाई बाय टू। फिर उसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर कितना पाई बाय टू, उसी प्रकार फिर होता है क्या, उसी प्रकार होता है यहाँ पर लिख दे सेक इनवर्स, क्या लिख दे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई बाय टू, ये याद रखना है, समझ तुम लोग आ गया। तो हम बोलेंगे जल्दी यहीं पर पूछ देंगे तुम लोग को बता ये चल जाएगा उधर, क्या चल जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स ना होगा, अगर उसी प्रकार बोलेंगे कोट चल जाएगा उधर, तो क्या जाएगा पाई बाय टू माइनस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या जाएगा टेन इनवर्स एक्स ना होगा,
ये बना लेना है, तो हम लिखाएंगे नहीं है ना, ये बना लेना है, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम लोग को और क्या होता है, तो और होता है इस तरह, देखिए यहाँ पर मान लो तुमको इस तरह लिख के दे दिया, साइन का उल्टा क्या होता है, तुम्हें पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, टेन का उल्टा आता है कोट, और कोस का उल्टा आता है सेक, ये पता है ना। तो साइन इनवर्स वन बाय एक्स, एक्स नीचे आ गया ना, उल्टा हो गया ना, तो बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा कोसेक इनवर्स एक्स, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम्हें पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है, तो टेन इनवर्स वन बाय एक्स, वन बाय एक्स यानी उल्टा, बराबर क्या होगा कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। उसी प्रकार तुम्हें पता है कि क्या कोस का उल्टा क्या होता है, तो कोस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है, तो कोस इनवर्स वन बाय एक्स, बराबर क्या आएगा सेक इनवर्स एक्स, समझ तुमने कहा। तो इतना सूत्र तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस सब सूत्र में तो दमे ना, ये सब तो तुम लोग को पढ़े भी पढ़ा, अलेवेंथ में पढ़ा था। मेन सूत्र क्या है, तो ये तो तुम्हारा अलेवेंथ वाला ही है, मेन तुम्हारा ये सूत्र बा, समझ तुमने कहा गया। ऐसा तो वैसे जानता है कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स कितना पाई बाय टू, इसको जोड़ेंगे तो पाई बाय टू, इसको भी जोड़ेंगे तो पाई बाय टू ना, पाई बाय टू यानी 90 डिग्री, समझ रहा है ना। उसके बाद इसको माइनस इसका अंदर होता है तो बाहर निकल जाता है, और इसमें माइनस होता है तो पाई में घट के लिखाता है, पाई में घट के लिखाता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, चल बनाना स्टार्ट करते हैं, ज़रा सूत्र नहीं था। चले क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, निम्नलिखित को, देख क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थ्री साइन, तुम लोग को ही पता है ना, तुम लोग को हम 2.1 जब पढ़ा रहे थे तो 2.1 में बताए थे क्या, एक चीज़ तुम लोग को ही पता है ना कि मान लो यहाँ पर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उल्टा है, यानी वन बटा साइन है, इसका मतलब यही हुआ, बताए थे इनवर्स होता क्या हुआ, उल्टा क्या हुआ, तो यानी ये वाला और ये वाला कट जाता है, बचता है खाली एक्स, बताए थे, ये तुम लोग को पता है ना, 2.1 ने बताए थे, एगो इनवर्स में रहेगा, एगो बिना इनवर्स में रहेगा, तो क्या होता है, दोनों खल्लास, क्या होता है, अब बच जाता है खाली जो है आगे वही बच जाता है, बताया ना तुम लोग को, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, तो बराबर है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू। अब बोल रहे सिद्ध करें, क्या करना है सिद्ध करना, यानी लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, राइट हैंड साइड ला, या राइट हैंड साइड से लेके चल और लेफ्ट हैंड साइड वाला ला दे, तो किसको नहीं जी पड़ेगा, तो इबला ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो एक वर्ड में है, इसको सिद्ध करने में दिक्कत हो जाएगा, जहाँ एक से अधिक वर्ड है उसको छोटा करने में जी पड़ेगा, तो क्या ले चलेंगे, राइट हैंड साइड क्या लेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या है, तुम्हारा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। तुम लोग देखना, जब भी सिद्ध करना करेगा तो एकदम ध्यान देना है क्या, कि यहाँ आगे है साइन इनवर्स क्या है, तो बीचा भी यहाँ इसको भी सोल्व करके हमको साइने ला देना है, क्या लाना, साइने क्यों लाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, अगर शुरू है टेन इनवर्स क्या है, तो इधर हम जो लाएंगे उसको भी लाएंगे टेन में, तब टेन तब नहीं कटेगा, समझ तुमको आ गया ना। तो आगे जो रहेगा, ठीक है, शुरू में जो रहेगा अंदर में सोल्व करके वही लाना है, तब कटेगा, क्या होगा, समझ तुमको आ गया ना। अब तुम लोग को दिमाग लगा कि कौन सूत्र यहाँ पर ये काम कर रहा है, जल्दी बताओ, दिमाग लगाना है, ये लाना है, क्या लाना है, ये लाना है, तो यहाँ पर कौन सूत्र काम कर रहा है, जल्दी बताओ, देखिए अगले सूत्र पर काम कर रहा है, 3 4 दिखाई दे रहा है, 3 4 है अरे 3 4 यहाँ पर एगो एक्स, यहाँ एक्स पर पावर 3, यहाँ पर एगो थीटा, यहाँ थीटा पर पावर 3 हो गया ना, क्यों ना है ना, तो समझ तुमको आ गया, तो यानी सूत्र पर लगेगा वो बोला क्या लेगा, तो ये वाला सूत्र पर लगेगा, ये सूत्र पर लगेगा कब, तो यानी हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा एक्स के जगह पर मानना पड़ेगा क्या साइन, जैसे एक्स के यहाँ पर साइन घुसाएंगे बन जाएगा तुरंत ना बनेगा, बनेगा तो हमको एक्स के जगह पर यहाँ क्या लेना पड़ेगा साइन, क्या लेना पड़ेगा साइन लेना पड़ेगा, तो लिखना है माना, क्या माना, समझ तुमको आया सूत्र पर पता चल रहा है ना, तो लिखना है माना साइन एक्स बराबर थीटा, साइन एक्स बराबर नहीं, साइन एक्स बराबर नहीं, थीटा बराबर क्या, यहाँ मान लेंगे एक्स बराबर साइन थीटा एक्स के यहाँ पर रखेंगे ना, तो एक्स बराबर मान लिया साइन थीटा, क्या मान लिया, अच्छा बताए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तुम लोग बता दे, थीटा को कहेंगे तुम इधर रहा, साइन को बोलेंगे इधर आ जाए, क्या बोलेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, ये आगे काम देगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर थीटा होगा, जल्दी बता दे, थीटा को बोलेंगे तुम इधर आ, साइन को बोलेंगे इधर आ, तो साइन कहाँ जाएगा नीचे, कहाँ जाएगा, और साइन जब नीचे जाएगा, साइन कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, तो सब पावर को नहीं तो एक है, और एक ऊपर जैसे जाएगा तो क्या होगा माइनस में ना हो जाएगा, समझ तुमको आया ना, तो जब भी इधर पार करेंगे तो इनवर्स में जाएगा, किस में जाएगा इनवर्स में, अब देखें हम एक्स बराबर क्या माने, साइन थीटा क्या माने थे, साइन थीटा बस मान रख दे, तो हम रख रहे हैं साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स उसके बाद थ्री का, थ्री एक्स बराबर क्या माने थे, साइन थीटा मान लिए, माइनस का, माइनस फोर का एक्स बराबर क्या माने थे, साइन बोल रहे
साइन थीटा, साइन, और कभी तुमने थीटा पर स्क्वायर नहीं देखा है, स्क्वायर अथी स्क्वायर हो या क्यू हो, कहाँ पड़ता है, यहाँ पर पता है तुम लोग को। चल देखा, अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, जल्दी बता दे, इसके बराबर हम डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हिल गया क्या, इसके बराबर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, जल्दी बता दे, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिख देंगे डायरेक्ट, इसके जगह पर हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स के जगह पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या, साइन थ्री थीटा लिखेंगे, जल्दी बता लिखेंगे अरे, क्योंकि सूत्रवाद लिख दिया। अब तुम लोग दिमाग लगा ले, देख यहाँ पर ये साइन है इनवर्स में, ये बिना साइन ऐसे है प्लस में, यहाँ पर पावर है तो प्लस है ना, यहाँ पर क्या है इनवर्स में, ऐसे साइन है तो साइन इनवर्स, साइन क्या जाएगा खल्लास होगा, तो पता है ना, टेन इनवर्स टेन रहेगा तो टेन टेन खत्म, कोस इनवर्स कोस रहेगा तो कोस इनवर्स कोस खत्म, पता है ना, तो साइन इनवर्स साइन है तो साइन इनवर्स और साइन खत्म, तो क्या बचा थ्री और थीटा बच गया। अब तुम लोग बता थ्री का थ्री और थीटा बराबर हम क्या निकाल के रख लें, यहाँ पर निकाल के रख ले, तो यहाँ रख दे साइन इनवर्स एक्स रख दे, बस यही तो प्रूव करना है, देख है हम ये लेक्चर ले थे, ये आ गया तो हो गया क्या बराबर राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, तो मेरा हो गया क्या, तो मेरा क्या हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया, समय तुमने कहा यार बंद, हाँ उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो, इसको मिटा रहे मिटा दें इसको, सुतरवा याद रहेगा तो दिमाग काम करेगा, सुतरवा नहीं याद रहेगा तो पता चलेगा तुम लोग को, चल देखे हम क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है थ्री कोस इनवर्स एक्स, क्या बोल रहा है, अभी निचला सूत्रवा लगेगा, निचला सूत्रवा देख ले लगेगा, थ्री कोस इनवर्स एक्स बराबर है कोस इनवर्स, कोस इनवर्स फोर एक्स क्यू, फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, इधर लिखा है जहाँ एक्स बिलोंग्स टू वन बाय टू वन उसे मतलब नहीं रख, ठीक है ना, यानी एक्स का जो मान है वो आधा एक से मतलब हाफ और एक के बीच में होना चाहिए, उससे कोई मतलब ना, देख यहाँ पर इससे ले चलेंगे तो जल्दी सीधना होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ई है, बड़ा को छोटा करना ईजी पड़ता है, पड़ता है, तो ले राइट हैंड साइड, क्या लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ले ले कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स ले लिए, अब देख कौन सूत्र बन रहा है, देख ले फोर थ्री कहाँ है, फोर थ्री, यानी ये सूत्रवा बनेगा, ये सूत्रवा कब बनेगा, जब एक्स के यहाँ पर हम कोस थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे, रखेंगे तब ना, यानी यहाँ क्या माने जल्दी बता दे, तो मानना आपको क्या पड़ेगा, माना क्या, तो अथी एक्स बराबर, एक्स बराबर क्या कोस थीटा, समझ आया क्यों माने, आप देखा यहाँ पर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, थीटा बोलेंगे तुम इधर रहा, कोस को बोलेंगे इधर आएगा, तो क्या जाएगा कोस इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोस इधर जैसे आएगा तो इनवर्स में क्या जाएगा, और एक्स का एक्स थीटा बेचारा इधर अकेला, ई क्यों करते हैं, क्योंकि लास्ट में काम देता है ना, रहता है लास्ट में काम देता है ना, अभी वो लास्ट में काम देगा, अभी तो इसी काम चलाना है, चलाओ तो चल यहाँ बैठा दे फटाफट, तो कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स फोर का फोर, एक्स के यहाँ पर क्या कोस थीटा, क्या अच्छा ई क्यू कहाँ देंगे, यहाँ देंगे कि कभी भी थीटा या एक्स पर क्यू नहीं पड़ता, कहाँ पड़ता है, तो यहाँ पर पड़ता है, समझ आ गया ना, माइनस का माइनस थ्री का, और एक्स के यहाँ पर क्या कोस थीटा, सूत्रवा बन गया, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या कोस थ्री थीटा लिख सकते हैं, तो हम लिख दिए क्या, तो कोस इनवर्स का कोस इनवर्स, इसके यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कोस थ्री थीटा, एगो इनवर्स में एगो बिना इनवर्स में खत्म हो गया, तो बराबर क्या आया थ्री थीटा, बराबर थ्री थीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए काम देता है ना, इससे उसको पहले निकाल के रखते हैं, समझ आ गया, जब भी मानेगा तो हमेशा करके रखना है, जब भी कुछ मानेगा ऐसा बराबर हमेशा करके रखना है, क्योंकि लास्ट में काम देता रहता है ना, तो थीटा यहाँ पर क्या लिखें कोस इनवर्स एक्स, थीटा यहाँ पर लिख दिए, बराबर क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया, प्रूव हो गया, समझा तुम लोग, चल रहा क्वेश्चन देख, समझ आ रहा है, चलो इसको मिटा रहा, चल देखा अगला सूत्र, लेकिन इसे पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, बोल रहा है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टू बटा अलेवन, टेन इनवर्स टू बटा अलेवन प्लस टेन इनवर्स, टेन इनवर्स सेवन बटा ट्वेंटी फोर, ये दिया हुआ है, बराबर हमको सिद्ध करना है क्या टेन इनवर्स वन बाय टू, वन बाय टू ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, यानी देख यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये हमको लाना है, बताए इसमें किधर से लेग चले, लेफ्ट लेग चले कि राइट लेग चले, तो सिंपल दिमाग लगा तुम लोग को, तुम लोग सिंपल दिमाग लगा, यहाँ टेन इनवर्स वन बाय टू है, तुम लोग सिंपल दिमाग, ये बड़ा है तो ना छोटा होगा, ये छोटा तो छोटा हमें कहता है, इसको कैसे बड़ा करेंगे, करना बनेगा, तो हम हमको लेग चलना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेग चलना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है टेन इनवर्स टू बटा अलेवन प्लस टेन इनवर्स सात बटा चौबीस, यानी सेवन बाय ट्वेंटी फोर, यह लेग चल रहा है ना, कौन सा तरफ लगेगा, तो देख लें यहाँ पर
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई नहीं लगेगा सूत्र, वह दिमाग काम कर रहा है वहाँ सूत्र लगेगा। तो हम सूत्र वो जो लिख देते हैं, हो गया टेन इनवर्स एक्स के यहाँ पर ई और टेन इनवर्स वाई यहाँ पर ई, हो गया सूत्र वाली देते हैं। कौन सूत्र लगेगा? तो सूत्र मेरा लगेगा क्या? तो सूत्र मेरा लगेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, खाली बैठा दे बस बन जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरा क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई। सूत्र लगा दे, समझ तो आ गया, तो चलो लगा दे। तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस तो एक्स मेरा कितना दो बटा ग्यारह, दो बटा ग्यारह और वाई मेरा कितना सात बटा चौबीस, हो गया बट्टा क्या तो बट्टा वन माइनस एक्स वाई, तो वन माइनस एक्स, एक्स कितना दो बटा ग्यारह और वाई, वाई कितना सात बटा चौबीस। बस तो सोल्व करें सर आएगा, ये अपने आ जाएगा, सोल्व कर इसको। तो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स बराबर, थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, टेन इनवर्स बराबर बताओ यहाँ ग्यारह चौबीस के क्या होगा, लघुत्तम लेंगे क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो ग्यारह गुना चौबीस हो जाएगा, क्योंकि लघुत्तम तो निकलेगा ना, तो क्या जगह हो जाएगा मेरा ग्यारह गुना चौबीस, गुना करके नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ग्यारह गुना चौबीस निश्वा भी आ गया, दोनों खचाक से उड़ा देंगे, इसलिए गुना नहीं कर रहे हैं, समझ तो आ गया। अब ग्यारह से जैसे भागा देंगे, ग्यारह खत्म बचेगा चौबीस, चौबीस दुनी अड़तालीस, चौबीस दुनी बाईस होता है अड़तालीस, उसके बाद प्लस का प्लस हो गया, फिर चौबीस से चौबीस खत्म बचा कितना ग्यारह ग्यारह सत्ती सतहत्तर, समय तो लगा रहा है उस। अब यहाँ पर नीचे वाला बताओ यहाँ कोई नहीं तो एक है, एक ग्यारह चौबीस के एलसीएम क्या होगा, तो ग्यारह गुना चौबीस से हो जाएगा ना होगा। अब एक से एक कर इसमें, एक से इसमें भागा देंगे तो इतने आएगा आएगा, और इससे एक में गुना करेंगे तो इतने आएगा, तो कितना आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा चार छः दो सौ चौंसठ आएगा, कितना आएगा गुना करके देख लेना, ठीक है ना। फिर माइनस का माइनस हो गया। अब तुम लोग को यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर अब यहाँ इसका अलग नहीं लेना है, गुना में किसमें गुना में है ना, तो यानी पूरा से एक के बार इसमें भागा देना है, समझ तो लगा रहा है, इन्हें कर देना कि यहाँ पर जोड़ है तो इसको अलग कर देना, इसको अलग कर देना कर देना, ये क्या है गुना में, क्या है तो गुना में, तो कैसे लिखाएगा, सात दुनी चौदह लिखाएगा और ग्यारह गुना चौबीस ऐसे तो लिखाएगा रे, समझ तो लगाएगा, सात दुनी चौदह लिखाएगा ग्यारह गुना चौबीस के ग्यारह चौबीस लिखेंगे, तो इसे डायरेक्ट इसमें भागा देंगे ना, तो डायरेक्ट क्या हुआ एक बार में कट गया, एक बार में कटा तो कितना एक से अपन गुना करेंगे तो चौदह के चौदह, समझ तो लगा गया ना, समझ तो लगाया रे। अब देखें यहाँ पर, अब ऐसे सॉल्व कर, तो मेरा यहाँ क्या हो रहा है, तो मेरा हो रहा है यहाँ पर टेन इनवर्स कहाँ भाग गया अड़तालीस सतहत्तर जोड़ दे कितना होगा आठ सात पंद्रह और सात चार ग्यारह एक बारह हो गया। अच्छा बता इससे इसको डायरेक्ट काट दें, क्यों काटेंगे तो मारेगा पलटी, मारेगा तो ये चल जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा, अभी बेचारा नीचे रह जाएगा, तो ऊपर जब चल जाएगा इबला तो ये नीचुआ में खचा खचरा उठ जाएगा, तो बचा यहाँ पर क्या दो सौ चौंसठ में चौदह घटा रही कितना दो सौ पचास बच रहा है। अब 125 एक एक सौ पच्चीस है, एक सौ पच्चीस गुना दो सौ पचास आ गया जो लाना था, क्या आ गया टेन इनवर्स वन बाय टू आ गया, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रूव्ड, फिर सूत्रवा बताना चाहिए बस हो जाएगा, समझ तो लोग आया। चला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर चार, तो क्वेश्चन नंबर चार भी क्या है तो उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आना फिक्स है इससे, ज़्यादा इसमें अति त्रिकोणमिति है ना, इसलिए इसी से क्वेश्चन आना फिक्स है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना ए, समझ तो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर चार बोल रहा है टू टेन इनवर्स वन बाय टू, क्या है टू टेन इनवर्स वन बाय टू प्लस टेन इनवर्स, टेन इनवर्स वन बटा सेवन, वन बटा सेवन बराबर टेन इनवर्स इकतीस बटा कितना सत्रह, यही है ना, बस तो क्या लेग चलेंगे, सिंपल बात है लेफ्ट हैंड साइड लेग चलेंगे, अरे यहीं लेग चलेंगे और राइट ला देना, राइट राइट वाला ला देना है, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या लेग चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है टू टेन इनवर्स वन बाय टू प्लस टेन इनवर्स वन बटा सेवन। तुम लोग दिमाग लगा, कौन सा तरबा लगाए जल्दी बताओ, कौन सा तरबा लगाए, ये बोला लगाए जल्दी बता दे कौन सा तर लगाए, तो अभी नहीं लगेगा क्योंकि इसके आगे टू और थ्री इस मतलब इसके आगे अंक नहीं रहता है, नहीं रहता है, लेकिन इसके आगे क्या है अंक, क्या है अंक है, तो अंक वाला खोए तो अंक वाला इबला है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये लगाएंगे। अच्छा तुम बोलेगा कि इबला कहीं लगाएंगे, यहाँ भी तो टू है, लेकिन ध्यान दे यहाँ पर क्या है टेन है ना, तो टेन किससे बदल रहा है, इसी में बदल रहा है, तो ये लगाएंगे, इसमें बदलेंगे तो साइन में बदल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना, तो बदल लेंगे पहले टेन में बदल लेंगे, तो हो जाएगा इबला, इबला हो जाएगा क्या एगो हो जाएगा बन जाएगा ना, बन जाएगा टेन इनवर्स इला बन ही जाएगा, तो फिर ई वाला एगो इधर हो जाएगा, इबला इधर हो जाएगा, फिर ऊपर लगा देंगे सूत्रवा, समझ तो आया। तो चलो करते हैं, पहले लगाते हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं सूत्रवा लिख देते हैं, क्या करते हैं लिखते हैं सूत्र, तो क्या है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है टू एक्स बटा वन माइनस
एक्स स्क्वायर, यही है ना। चलो लगा दो, तो यहाँ पर लगाते हैं 2x, क्या टेन इनवर्स लिखना भूल गए, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स 2 का 2x, तो x मेरा क्या है 1 बाय 2, अब बटा 1 का माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस। और टेन इनवर्स इसको डायरेक्ट लिख दे जो लिखा हुआ है, इस काम लास्ट में काम देगा, फिर बन जाएगा 2 गो, नहीं बन जाएगा प्लस सूत्र लग जाएगा। चल यहाँ ध्यान दे, तो मेरे यहाँ क्या हो गया टेन इनवर्स क्या हो गया, अब बता 2 से 2 खत्म, गुना में तो कट ही जाएगा, बचेगा कितना यहाँ 1, कितना बचेगा आए 1 के 1 माइनस का आए 1 बटा 2 दूनी 4 हो गया बस। और यहाँ पर लिख दे इसको डायरेक्ट टेन इनवर्स 1 बटा 7। अब टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, अब 1 का 1 यहाँ कोई ना, तो 1 है 4 एक कैल्शियम 4, तो 1 चौका 4, तो 4 का 4 माइनस का 4 का 4 तो 1 का 1 हो गया। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, तो इसको लिख दे टेन इनवर्स 1 बटा 7 का 1 बटा 7, तो मेरा यहाँ पर हो गया टेन इनवर्स। अब यहाँ ध्यान दे 4 यहाँ पर हो गया 1 बटा 4 में से 1 गया कितना 3 हो गया, और 4 का 4 पलटी मारेगा, पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख दे टेन इनवर्स 1 बटा 7 का 1 बटा 7, पलटी मारेगा तो क्या होगा टेन इनवर्स, पलटी मारेगा तो क्या होगा ऊपर हम 1 है आइए 3 बटा 4 पलटी मारेगा तो जाएगा 3 सॉरी 4 ऊपर 4 ऊपर और 3 नीचे होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 4 ऊपर और 3 नीचे, एक में गुणा करेंगे तो फर्क पड़ने वाला है ना। चलो अब यहाँ टेन इनवर्स का टेन इनवर्स 1 बटा 7 का, अब कौन सूत्र वाला लगेगा जल्दी बता दें, एक नंबर नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, ये लगेगा बस ये लगा दे। तो सूत्र वाला लगा देते हैं, सूत्र वाला हमारा लिख लिया है ठीक है ना, हम लिख नहीं रहे हैं तो लगा देते हैं सूत्र वाला, कौन लगाते हैं एक नंबर वाला, तो क्या जाएगा हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स, क्या यहाँ प्लस में है ना क्योंकि प्लस वाला सूत्र अलग है माइनस वाला अलग है दिख रहा है ना, तो प्लस लगा प्लस लगा तो जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी एक्स मेरा क्या हो गया 4 बटा 3 और वाई क्या आ गया 1 बटा 7, यानी 4 बटा 3 बटा 1 बटा 7 हो गया। अब निचुआ में 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स तो एक्स 4 बाई 3 और वाई 1 बटा 7, तो 4 बाई 3 और 1 बटा 7 हो गया। तो मेरा हो गया यहाँ पर टेन इनवर्स, यहाँ पर ऊपर लेंगे तो 7 3 कैल्शियम छोटा सा है तो ले लेते हैं, यहाँ बड़ा था अगला लंबा बड़ा था तो चलो गुणा करके लिख दिए, लेकिन इतना तो लेने को दिक्कत है बता, तो 7 3 का कितना होगा, अब बड़ा रहेगा तो लिख देते हैं डायरेक्ट 3 गुना 7 क्या लिख देते हैं 3 गुना 7 लिख देते हैं ना, लिख देते हैं तो हो गया 21 कितना हो गया 3 सती 21 तो 7 बार मारिए 7 चौक 28 प्लस का 7 3 21 तो 3 का 3 हो गया। और यहाँ पर ध्यान दो 1 का 1 माइनस का माइनस 4 का 4 और 3 सती 21 तो मेरा हो गया टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ऊपर हम क्या हो रहा है ऊपर मेरा हो रहा है 28 और 3 कितना 31 और नीचुआ में 21 का 21 और यहाँ पर कोई ना 1 है 21 से कैल्शियम 21 1 से 21 से भागा दे कैसे आएगा 21 से इसमें गुना कर कैसे होगा माइनस के माइनस 21 से भागा दे 1 आएगा 1 से 4 में गुना कर 4 हो जाएगा। तो मेरा हो गया क्या टेन इनवर्स 31 बटा ऐसे ऐसे बता यहाँ पर ऐसे कर लिख सकते हैं जल्दी बता ई 21 जाएगा पलटी मारेगा तो चल जाएगा ऊपर कहाँ चल जाएगा यानी ई और ई खत्म हो जाएगा समझ रहा है तो कैसे खत्म होगा ताकि मारेगा पलटी कहाँ मारेगा तो डायरेक्ट चल जाएगा ऊपर कहाँ चल जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बच रहा है क्या मेरा 31 क्या बच रहा है और 21 में 4 गया कितना दिल्ली बता अरे घर देख ना 17 क्या यहीं लाना था बराबर राइट हैंड साइड प्रूव हो गया सही तुम लोग चल देख अगला क्वेश्चन थोड़ा रोक लो चल देख क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव में ध्यान दे क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है टेन इनवर्स क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान से देखना ठीक है ना टेन इनवर्स और फिर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस माइनस वन बट्टा एक्स ठीक है ना। और यहाँ दिया हुआ जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 0 यानी एक्स के मान 0 ना है उससे कोई मतलब ना है ठीक है ना। चलो अब बोल रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सरलतम रूप में लिखो सरलतम रूप में समझ रहा है मतलब इसको छोटा करके लिखना छोटा करके सरलतम रूप मतलब हुआ कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर दो ठीक है ना समझ लोग आ गया इसको सरलतम रूप में लिखना नहीं यानी इसको प्रूव नहीं करना है क्या करना सरलतम रूप में लिखना है। तो तुम लोग को बताया थे ना कि यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पर लाना है तब ना टेन इनवर्स टेन खटेगा बताया था ना अगर यहाँ साइन इनवर्स रहेगा तो यहाँ साइन लाना है यहाँ टेन इनवर्स रहेगा तो यहाँ टेन लाना है यहाँ कोट इनवर्स रहेगा तो यहाँ कोट लाना है क्यों क्योंकि दोनों काटने के लिए दोनों को काटने के लिए। तो अब तुम लोग दिमाग लगा कि एक्स बराबर क्या माने कि लास्ट में सॉल्व करते 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 यहाँ टेन आ जाए ऐसा अभी दो क्वेश्चन ओपन में सॉल्व किए थे ना तो लास्ट में आया था ना तो ऐसा बार क्या माने तो तुम लोग दिमाग लगा कि यहाँ पर इस तरह सूत्र में किसमें होता है तुमने दसवां सूत्र पढ़ा 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, दसम पढ़ा है पढ़ा है। यह सूत्र क्यों लगाए हैं? क्योंकि हम जानते हैं दसम दो सूत्र में पढ़े, वो पढ़े वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो पढ़े थे वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, दसम दो सूत्र पढ़े थे, याद आ रहा है तुम लोग को? पढ़े थे ना दसवा में इस तरह प्लस में दो को सूत्र में पढ़े थे, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस में दो ये सूत्र पढ़े थे, वो पढ़े तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो पढ़े तो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब बात है कि यहाँ एक बराबर क्या मानना है, टेन माने या कोट माने, चलिए बताओ। तो मानेंगे टेन, क्या मानेंगे टेन, क्यों मानेंगे पता चलेगा, यहाँ टेन जैसे मानेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा? और जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा होगा, हम बता रहे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा सेक थीटा, क्या बचेगा? और माइनस वन का माइनस वन बचेगा। और यहाँ पे एक्स बराबर क्या माने थे, माने थे यहाँ पर टेन थीटा, क्या माने थे टेन थीटा। अच्छा हम सोल्व कर देते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो क्या मान रहे हैं, तो एक्स बराबर मान रहे हैं हम टेन थीटा, क्या मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, तो आगे पता चल जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर हमको लाना है टेन थीटा, क्या लाना है टेन थीटा। तो लिख यहाँ पर माना, क्या माना, एक्स बराबर क्या, तो एक्स बराबर टेन थीटा, समझ तो लोग आ गया। चलो तो एक्स बराबर जैसे टेन थीटा मानेंगे तो यहाँ रख टेन इनवर्स के टेन इनवर्स रूट अंडर का रूट अंडर वन का वन प्लस का एस के यहाँ पर रख टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा और माइनस वन का माइनस वन और निचुआ में टेन थीटा का टेन थीटा, कोई दिक्कत है? अब टेन इनवर्स थीटा का टेन इनवर्स सॉरी टेन इनवर्स का टेन इनवर्स और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, दसवां तुम लोगों को पता है रेगा था कि उन्हें पता है। तो अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा रूट अंडर का रूट अंडर माइनस वन का माइनस वन और टेन थीटा का टेन थीटा, अब बताए रूट खत्म कब होगा, तो जब स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म, क्या? तो यहाँ आ गया मेरा सेक थीटा, क्या हो गया? और माइनस वन का माइनस वन और टेन थीटा का टेन थीटा। लेकिन तुम लोग को पता है कि यहाँ पर हमको एक पूरक बनाना है, क्या टेन थीटा क्या बनाना है, निचुआ तो बना ले यहाँ पर नहीं बना ले तो दिक्कत हो गया, तो इसको बदल दे। सेक थीटा को हम जानते हैं सेक का उल्टा होता है कोस, क्या होता है इतना तुम लोग को पता है ना, सेक का उल्टा क्या होता है कोस, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं वन बटा कोस थीटा, बता दे लिख सकते हैं, और माइनस वन का माइनस वन और टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटा कोस थीटा, दसम पढ़ा है, क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ कोस में किए तो यहाँ भी कोस में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोस में, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोई दिक्कत है? दसम पढ़ा है ना। अब देखें यहाँ पर टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, पहले यहाँ पर अथी एलसीएम ले लें तो ख़त्म करना, डायर खत्म कर देगा, तो यहाँ को इन क्या है क्या है, तो कोस थीटा वन के एलसीएम क्या होगा कोस थीटा होगा, यहाँ ना हट रहा है तो थोड़ा इधर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, देख यहाँ पर कोस थीटा वन का एलसीएम क्या होगा हो जाएगा मेरा कोस थीटा, और कोस थीटा से कोस थीटा हम भागा देंगे तो आएगा मेरा वन आएगा, और माइनस का माइनस कोस थीटा यहाँ अंड, और वन से कोस थीटा हम भागा दे तो क्या आएगा कोस थीटा, कोस थीटा से वन में गुना करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा होगा, यही बता। और बता यहाँ पर, यहाँ पर साइन थीटा बटा कोस थीटा का साइन थीटा बटा बटा कोस थीटा, तुम लोग पता है ना कि इबला और इबला क्या होगा उड़ जाएगा, कैसे उड़ेगा तो पता है तुम लोग को, एगो इसके नीचे में जो है एगो इसके नीचे में कैसे उड़ेगा, तो पलटी मारेगा तो कहाँ जाएगा कोस थीटा ऊपर जाएगा चल जाएगा ना, तो दोनों खत्म क्या हो गया खत्म, क्या जाएगा खत्म, तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया टेन इनवर्स अंदर हो गया वन माइनस कोस थीटा और यहाँ पर हो गया साइन थीटा, कोई दिक्कत है? लेकिन अब ये मेरा टेन नहीं आया, यहाँ पर हमको टेन बनाना है, क्या बनाना है, जब तक यहाँ पर पूरा को टेन नहीं बनाएंगे तब तक ही कटेगा नहीं, तो यहाँ क्या बनाना है टेन, क्या बनाना है? अब दिमाग लगा रही सूत्र कहाँ आता है वन माइनस कोस थीटा बराबर, देख ले नहीं रह रहा वन माइनस कोस थीटा बराबर क्या है टू साइन स्क्वायर थीटा बटा टू, तो यहाँ लिख सकते हैं जल्दी बता, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या टेन इनवर्स वन माइनस कोस थीटा, यहाँ पर लिखेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बटा टू, लिख सकते हैं, और साइन थीटा बराबर कहाँ भाग गया, यहाँ रख साइन थीटा बराबर टू साइन थीटा बटा टू और कोस थीटा बटा टू, लिख सकते हैं, कट नहीं रहा उगला सूत्र देख ले थोड़ा, टू साइन थीटा बटा टू और कोस थीटा बटा टू, लिख सकते हैं, बस आ गया अब टेन, देख ले कैसे आ गया तो देख ले, यहाँ देख टू से टू खत्म, यहाँ साइन पर पावर दो गो यानी साइन दो गो है, तो एगो साइन यहाँ पर ही है ना, साइन थीटा बटा टू यहाँ दो गो है, यहाँ कितना है एगो, तो एगो कट जाएगा तो एगो बचे जाएगा ऊपर में, तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया टेन इनवर्स, यहाँ हो गया मेरा क्या साइन, एगो ऊपर में बचेगा साइन थीटा बटा टू बचा, क्योंकि पावर में कितना है दो, कितना है तो एगो बच जाएगा ना, और नीचे में क्या बचा कोस थीटा बटा टू हो गया, हम जानते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बन गया, तो मेरा क्या होता है साइन थीटा टेन इनवर्स का टेन इनवर्स साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, यहाँ पर क्या होता है थीटा बटा टू थीटा बटा टू हो गया, अब तुम्हें पता है कि वो इनवर्स में है वो टेन में है तो क्या खत्म हो जाएगा, तो थीटा बटा कितना आया टू, कितना आया टू, अब हम बता इवला हम नहीं किए थे, हम तो उन लोग बताए थे कि यहाँ पर बार बार कर लेना है, थीटा को हम इधर रखते हैं और टेन को इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा टेन इनवर्स एक्स होगा, बताए थे नहीं करते हैं ना, और ये कहाँ काम देता है लास्ट में काम देता है तुम लोग बताए थे ना कहाँ काम देता है, तो थीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी बता दे टेन इनवर्स एक्स क्या रखेंगे, तो यहाँ थीटा यहाँ पर लिख दिए टेन
इनवर्स एक्स, और यहाँ नीचे हम टू है तो इस तरह टू लिख देते हैं, कोई दिक्कत है इस तरह लिखने में? अरे वन से गुना करेंगे तो फिर टेन इनवर्स एक्स और टू का नीचे हम टू ही रहेगा, तो यही हो गया क्या सरलतम रूप, क्या हो गया? समझ तो लोग आया, इसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा सूत्र लग गया है, एक दो बार बनाएगा समझ आ जाएगा, समझा तुम लोग? समझ तो लोग अच्छा होता है, कोट क्यों ना लगाए? तो कोट लगाते तो यहाँ पर जो ट्रेन आना चाहिए ना, यहाँ जाता कोट क्या जाता, यहाँ ट्रेन आना चाहिए ना, तो यहाँ जाता कोट क्या जाता, अगर कोट आता तो फिर कटता नहीं करता, इसलिए कोट लगाने लगाए, क्या लगाए? ट्रेन वाला लगाया, समझ तो लोग आया? चल अगला देख, चल यहाँ ध्यान देख, अगला ये वाला है क्वेश्चन नंबर छः, दिखाई दे रहा है ये ए बंदर, ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर छः ये वाला है, ठीक है ना? इसको सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है, बता एक्स यहाँ पर क्या माने के सूत्र बन जाए, दशम तुम लोग पढ़ा है क्या? दशम तुम लोग इस यहाँ पर दशम इस तरह पढ़ा है तुम लोग, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर क्या माने सूत्र बन जाए, दशम तुम लोग क्या पढ़ा है? दशम तुम लोग पढ़ा है, अरे इला नहीं पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन पढ़ा था, फिर तुम लोग क्या पढ़ा था? फिर तुम लोग पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ा था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन, दशम पढ़ा था, इसी से अभी सूत्र को बनाए थे हम, वन प्लस टेन सौ छठा बराबर सकोसा छठा बनाए थे ना, वन प्लस कोट सौ छठा जाएगा अगर प्लस में जाएगा तो वन प्लस कोट सौ छठा बराबर क्या कोसेक सौ छठा है, सूत्र भी जो हम लिखे थे पहले इसी से बनाए थे, इसी से अभी सूत्र को ठोर बनाते हैं, क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस, तो वन को इधर भेजते हैं, वन को इधर भेजते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरा, यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा, वन को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा बराबर क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर दसवें सूत्र पढ़ाए थे तुम लोग, इस तरह पढ़ के ना बताए थे बनाने के लिए, एगो एक ठो दो सूत्र भी तुम लोग होता है, आप दोनों में खोजना है कि कौन लगाएं, यहाँ पर कौन लगाना है, यहाँ पर भी एक सूत्र बनेगा, क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, वन को बोलेंगे जरा या तो माइनस में आया, इसको बोलेंगे उधर चले जाए तो हो जाएगा प्लस में, क्या जाएगा? तो दो सूत्र बना, कितना सूत्र बता, यहाँ पर अगर सेक मानेंगे तो सूत्र बन जाएगा, अगर यहाँ पर कोसेक मानेंगे तो सूत्र बन जाएगा, इबला बन जाएगा ना, अब हमको लेना क्या है, इस सूत्र लें कि इस सूत्र लें, तो थोड़ा सोचना है, अगर हम इस सूत्र लेते हैं ई लेंगे तो यहाँ जाएगा सेक, क्या जाएगा? सेक ना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या जाएगा? टेन, क्या जाएगा? तो नीचे वन टेन हो गया, हम जानते हैं कि वन बटा टेन थीटा बराबर क्या जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा, तो दिक्कत हो गया, यहाँ पर टेन ना, यहाँ पर कोट ना लाना, लाना क्या है? टेन, समझ रुका है? अरे इतना समझ, अगर यहाँ पर लेते हैं सेक, क्या लेते हैं? ऐसा मानते हैं सेक, क्या मानते हैं? तो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, बराबर क्या जाएगा? हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी खत्म, तो नीचे हो जाएगा टेन थीटा, क्या जाएगा? और जैसे टेन थीटा होगा तो वन बटा टेन थीटा बराबर क्या जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा, होगा ना? तो यहाँ पर कोट लाना है कि टेन लाना है? टेन लाना है तो इला खत्म हो गया, मानेंगे क्या? ऐसा बराबर से एक मानेंगे तो बचा क्या? खाली एगो ही बचा, दो सूत्र भी होता है तो क्या मानना है? अरे बता दे, तो लिखना है माना, क्या लिखना है? माना, तो माना एक्स बराबर क्या? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मान लिए, एक चीज़ हम करते हैं क्या, तो थीटा की देर रखते हैं, बताए ना ये लास्ट में काम देता है, बताए थे ना थीटा की देर रख के कोसेक की देर भेज दे, क्या जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये लास्ट में काम देगा, पता है ना? चल इसमें बैठा दे, टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स वन का वन, और उसके बाद रूट का रूट, यहाँ पर ले रहे हैं कोसेक, क्या ले रहे हैं? कोसेक स्क्वायर, और थीटा का थीटा, क्योंकि एक्स बराबर माने थे क्या? कोसेक थीटा माने थे, माइनस वन का माइनस वन, इसके यहाँ पर क्या लिखें? लिख दें, लिखें तो चलो लिख देते हैं, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, वन का वन, लिख रहे हैं क्या? कोट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं? जल्दी बता रहे, अब यहाँ पर हो गया मेरा क्या? टेन इनवर्स, अब बताओ वन का वन कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर रूट का रूट हटाएंगे तो क्या होगा? स्क्वायर भी खत्म, तो जाएगा कोट थीटा, क्या जाएगा? दशम तुमने पढ़ा था कि टेन कोटा क्या था? कोट क्या होता है? तो वन बटा कोट थीटा बराबर क्या होगा? जल्दी बता दे, टेन थीटा होगा, तो यहाँ हो गया मेरा टेन थीटा, इनवर्स में एगो बिना इनवर्स में खत्म हो गया, तो क्या बचा? थीटा, थीटा लिखना है, थीटा यहाँ पर क्या लिखना है? कोसेक इनवर्स एक्स, और छोटा होगा, अब इससे छोटे ना होगा सरलतम, तो यही हो गया क्या आंसर? क्या हो गया आंसर? सरलतम रूप यही हो गया। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर कितना? सेवन, ठीक है, चलिए आगे ध्यान ध्यान दे, ओह अब इसको सरलतम करना है, क्या करना? इसको सरलतम करना है, यानी छोटा रूप करना है, छोटा रूप, इसमें कुछ मानने की जरूरत है क्या? खाली एक्स आता तो मानते हैं, खाली एक्स रहता तो ऐसे, क्वेश्चन नंबर वन में खाली एक्स था, क्वेश्चन नंबर टू में खाली एक्स था, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स में क्या था? खाली एक्स था, क्या था? तो कुछ माने थे, माने थे ना, लेकिन यहाँ तो एक कोस दे लेते, यहाँ माना जरूरी है क्या? सूत्रवा लगा दे, क्या लगा दे? सूत्रवा कौन लेगा? जल्दी बताओ, वन माइनस कोस कहीं नहीं आ रहा है सूत्रवा, बता जल्दी, नहीं आ रहा है? अरे वन माइनस कोस थीटा, यहाँ पर एक्स बोल दे, यहाँ थीटा है तो नहीं आ रहा है, सूत्रवा लगेगा ऊपर, कौन सूत्रवा लगेगा? वो लगेगा, जल्दी बता, लगेगा, जहाँ थीटा है वहाँ पर एक्स हो जाएगा, जहाँ एक्स थीटा बटा टू हो गया वहाँ पर क्या जाएगा? एक्स बटा टू हो जाएगा, और नीचे कौन सूत्रवा लगेगा? ही लगेगा, दिखाई दे रहा है, सूत्रवा याद रहेगा तब ने, बस लगा दे, बस हो गया, तो क्या हो गया मेरा? तो मेरा यहाँ पर हो गया टेन इनवर्स वन माइनस कोस एक्स, देखिए यहाँ पर वन माइनस कोस थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा बटा टू, तो यहाँ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बटा टू, टू साइन स्क्वायर एक्स बटा टू होगा, और यहाँ पर वन प्लस कोस एक्स बराबर टू कोस स्क्वायर थीटा बटा टू, तो यहाँ जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स बटा
अरे बोल ना, होगा होगा रे। अब यहाँ टू से टू तो टू से टू हो गया खत्म। टू से टू क्या हो गया खत्म। और टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, अब बता यहाँ पर तुम्हें बता साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है, होता है रे। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दें। एस बटा टू का एस बटा टू हो गया। और लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेरा रूट है, क्या है तो रूट यहाँ भी रहेगा। अरे यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट। आप लोगों को पता है कि रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, स्क्वायर खत्म, स्क्वायर खत्म तो रूट भी खत्म। तो मेरा क्या हो गया टेन एक्स बटा टू हो गया, मिल गया खलास खलास। क्या हो गया एक्स बटा टू आंसर, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर कितना, सरलतम रूप हो गया, इससे छोटा नहीं होगा रे। सरलतम रूप मतलब छोटा, सरलतम रूप मतलब छोटा, ठीक है। चला देख क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है, बोल रहा है धुंधला नहीं हुआ रे। टेन इनवर्स कोस एक्स, टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ऐसे बोल रहा है एक्स जो है पाई से, मतलब एक्स का मान जो है पाई से छोटा है, उसे कोई दिक्कत ना है। चल यहाँ ध्यान, इसको सरलतम करना है ना, सरलतम करना है। देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स है तो वो सिंपल दिमाग लगाना है, इसको भी काट के हमको लाना है टेन इनवर्स। क्या लाना है, अरे टर्म कटेगा, टेन इनवर्स यहाँ है तो यहाँ लाना टेन, तब ना टेन इनवर्स टेन खत्म हो जाएगा, तो इसको बदलना टेन में। कैसे बदलना है टेन में, बदलना कैसे बदलना टेन में, तो हम जाते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, होता है ना। अस्को सूत्र भाई इस तरह को सूत्र नहीं लिखा है तुम लोग को, लिखाए थे कि देख रहे को सूत्र लिखाए थे, इस तरह ना लिखाए थे। तो हम जानते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, यानी हम कोस से अगर भागा दे दें, कोस से क्या करें तो ये तो कट जाएगा, यहाँ साइन थीटा बटा कोस थीटा हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ साइन थीटा बटा कोस थीटा हो जाएगा, तो टेन टेन में आ जाएगा, जाएगा इतना तुम्हें पता है ना। तो क्या करते हैं, कोस से देते हैं भाग, क्या देते हैं, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, अंश तथा हल में, अंश तथा हल, अंश ऊपर और नीचे हल, तो अंश तथा हल में, अंश तथा हल में कोस थीटा ना, यहाँ पे एक्स है ना, तो बोलेंगे एक्स, क्या बोलेंगे, थीटा थीटा रहता तो बोलते थीटा, यहाँ एक्स है तो बोल रहा है कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स से भाग देने पर, भाग क्यों देने समय तुम का यार, भाग देने पर, भाग देने पर, अब भाग दे रहे तो भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ टेन इनवर्स, यहाँ भागा दे तो कोस एक्स बटा कोस एक्स माइनस का माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स बटा के बटा, फिर यहाँ पर कोस एक्स बटा कोस एक्स, साइन लिख दिए, ठीक है, हो गया। प्लस का प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स, कोई दिक्कत है, अब जो हो रहा है वो लिख दे, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या हो रहा है, यहाँ डांड, तो यहाँ पर हो जा रहा है वन, क्या हो रहा है माइनस का साइन एक्स बटा कोस एक्स बराबर क्या, टेन एक्स, क्या कोस एक्स से कोस एक्स खत्म, वन। प्लस का प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स बराबर क्या, टेन एक्स, लेकिन इसको हमको पूरा क्योंकि बनाना है एगो टेन, तब ना कटेगा, इसको पूरा क्या बनाना है एगो टेन। तो आप क्या दिमाग लगा रहे हैं पता है, तो हम दिमाग लगा रहे हैं सूत्र बनाने, कौन सूत्र बनाने का पता है, इस सूत्र बनाने का दिमाग लगा रहे हैं, तब इसके बराबर एगो हो जाएगा, क्या जाएगा एगो होगा, क्या होगा, तो सूत्रवा कैसे बनाए, तो दिमाग लगा कि वन को बता टेन कितना डिग्री मान वन होता है, जल्दी बता दे इस सूत्रवा कब बनेगा, इस सूत्रवा मेरा कब बनेगा, ये बनेगा यहाँ तो हैवे करता है टेन के साथ वाई, अरे टेन के साथ यहाँ पर कुछ हवन करता है, और वन भी होना चाहिए टेन के साथ कुछ, और वन भी होना चाहिए टेन के साथ कुछ, तुम लोग बोलेगा यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस लाए वहाँ माइनस लाए, तो यहाँ माइनस कर दे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा, समझ तुम क्या, तो देखिए आप इस सूत्रवा बनाने के लिए क्या करना, क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ टेन के साथ कुछ हवे करता है, और वन लाना है टेन, और वन क्या लाना है, अब हम टेन ना है, तो इसको बता टेन कितना डिग्री मान वन होता है, जल्दी बता दे, पैंतालीस डिग्री मान होता है, पैंतालीस को क्या लिखेंगे, लिखेंगे टेन पाई बाय फोर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, माइनस का माइनस और टेन एक्स का टेन एक्स लिख दिए, अब बताओ वन के यहाँ पर, अब बताओ यहाँ पर, यहाँ टेन पाई बाय फोर लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूत्रवे में वन हैवे करता तो क्या लिखे पाई बाय फोर, सूत्रवे में वन बोल रहा है तो हम पाई बाय फोर क्या लिखें, समझ तो क्या, तो वन का वन छोड़ दिए, छोड़ दिए ना, और फिर बोल रहा है यहाँ पर जोर का जोर, अच्छा यहाँ पर हम टेन एक्स में, टेन एक्स में अगर हम एक से गुना करें तो कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख यहाँ पर दो गो टेन है, दो गो टेन है ना, तो एगो टेन तो हैवे करता है, एगो टेन हैवे करता है ना, और यहाँ वन के यहाँ पर वन किसका मान होता है, तो वन का होता है मेरा टेन पाई बाय फोर के, वन पाई बाय फोर के, तो बता हम टेन पाई बाय फोर से इसमें गुना करने को फर्क पड़ा, क्योंकि टेन पाई बाय फोर के मान कितना होता है, कितना होता है, और एक से इसमें गुना भी करने को फर्क पड़ने वाला ना, सूत्र बन गया उला, बना बन गया, देखा टेन एक्स माइनस टेन वाई, तो चलो टेन एक्स माइनस टेन वाई, फिर नीचे वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई, तो वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई बन गया, बराबर क्या टेन एक्स माइनस टेन इनवर्स का टेन इनवर्स बराबर क्या होगा, तो बराबर मेरा हो जाएगा टेन एक्स माइनस वाई, तो एक्स मेरा क्या होगा पाई बाई फोर, वाई क्या होगा एक्स,
समय तो आ गया ना, क्योंकि आगे वाला x पीछे वाला y, तो हो गया पाई बाई फोर माइनस x। समय आ गया तुम लोग को? अच्छा ये हटाइए देते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर, टेन खत्म हो गया, टेन इन बस टेन खत्म, तो मेरा हो गया क्या पाई बाई फोर माइनस x, और छोटा होगा, और छोटा होगा तो ये क्या हो गया आंसर, क्या हुआ आंसर, समय तुम लोग आया। चलो अगला देख, धुंधला नहीं हुआ, चल यहाँ ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रहा है, बोला टेन इनवर्स, क्या बोल रहा है बंदर, यहाँ ध्यान दे, टेन इनवर्स एक्स बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही बोल रहा है ना। और इसको क्या करना, सरलतम करना है, यानी छोटा रूप में करके लिखना है, छोटा रूप में करके लिखना है। अब देखें यहाँ पर, यहाँ एक्स के साथ कुछ नहीं दे लेते, एक्स बराबर मानना है, ऐसा क्या करना है, मानना है, एक्स बराबर क्या करना है बताया, एक्स बराबर क्या माने, माने के सूत्र बन जाए। एक चीज़ तुम लोग को ध्यान देना है, अगर यहाँ ए रहेगा ना तो यहाँ एक्स बराबर जो मानेंगे, अगर साइन मानेंगे तो बोलेंगे ए साइन थीटा मानेंगे, अगर कोस मानेंगे तो ए कोस थीटा, यानी यहाँ जो रहेगा ए रहेगा तो यहाँ पर भी ए के साथ मानना है, अगर यहाँ बी रहेगा तो यहाँ बी के साथ मानना है। समझ तुम लोग आ गया, क्यों मानेंगे कि कॉमन होने के लिए, ये यहाँ दोनों आएगा तो ना कॉमन होगा, तो इतना तुमको दिमाग लगाना है, अगर यहाँ पर जो रहेगा उतना वही यहाँ पर मानना है, ठीक है। तो बता यहाँ पर बता, साइन माने कि कोस माने, क्या माने, तो तुम लोग दसवन क्या पढ़ा है, दसवन तो एक सौ पढ़ा है, इस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन पढ़ा है, पढ़ा है। अब इससे हम दो स्विच बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो हम कोस के पहले उपार करते हैं, तो जाएगा मेरा क्या, तो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होगा, या साइन को पार कर देते हैं तो जाएगा मेरा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, यही तो दसवन पढ़वे किए हैं, माइनस में यही दो पढ़े थे, प्लस और प्लस में अगर रहता तो पढ़े थे क्या, वन प्लस सेक्स थीटा ना, सेक्स थीटा माइनस वन बराबर टेन सौ थीटा, ये बताए थे ना, वो पढ़े थे, तो हम दसवन दुई नहीं पढ़े थे, माइनस में अगर है तो दसवन हम दुई पढ़े थे, दुई नहीं पढ़े थे। अब यहाँ पर लगाना कौन है, तो लगाना कौन है कि यहाँ पर आगे क्या है, टेन इनवर्स क्या है, तो ये भी टेन में आना चाहिए, किस में चाहिए, टेन में, तो क्यों लगाएं, एक्स बराबर अगर मानेंगे कोस थीटा तो देख क्या होता है, एक्स बराबर जैसे मानेंगे यहाँ कोस थीटा, तो यहाँ ए के साथ मानेंगे, ए कोस थीटा साथ मानेंगे, बताए थे ना, तो जैसे कोस थीटा यहाँ मानेंगे तो जाएगा क्या बना, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा होगा, और जैसे वन माइनस कोस थीटा होगा तो वन माइनस कोस थीटा बराबर क्या जाएगा, तो हो जाएगा मेरा रूट के अंदर, तो हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर जैसे निकलेगा साइन तो हो जाएगा नीचे हम साइन थीटा, क्या जाएगा, और ऊपर हम कितना है, ऊपर में मेरा एक्स एक्स बराबर क्या है, तो एक्स बराबर मेरा क्या माने थे, एक्स बराबर माने थे हम कोस माने थे, क्या माने थे, नहीं माने थे, अगर एक्स बराबर हम कोस मानते हैं तो यहाँ जाएगा क्या, वन माइनस यहाँ पर एक्स बराबर कोस मानते हैं तो क्या जाएगा, वन माइनस कोस थीटा हो जाएगा, और वन माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, थीटा बचेगा, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कोस थीटा आ रहा है, क्या रहा है, तो कोस थीटा लाना है कि टेन थीटा लाना है, टेन थीटा लाना है ना, तो हम कोस नहीं मानना है, कोस क्या मानना है, साइन क्या मानना है, समय तुमको आया, इतना दिमाग लगाना है, तो मानना है यहाँ साइन क्या मानना है, ऐसे थोड़ा सा सॉल्व करेगा ना पता चल जाएगा आपने, तो यहाँ लिखना है माना, क्या लिखना है, माना एक्स बराबर क्या माना है, तो माना है साइन थीटा, क्या मानना है, लेकिन यहाँ पर ए है तो ए के साथ, समझ तो लोग आ गया, जो रहेगा उसके साथ मानना है, क्यों मानना है आगे पता चल जाएगा, तो चलो मान लिए ना, तो बता यहाँ पर अगर इसको हम इसको लिखें इस तरह, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पहले एक इधर कर, इसको देख थोड़ा, साइन थीटा साइन ए को इधर कर, तो क्या जाएगा, छोटा ए हो जाएगा होगा, और थीटा को इधर रखेंगे, साइन को बोलेंगे इधर आएगा, तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स, क्या जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बटा ए होगा, होगा रे, तो ये बोला हो जाएगा, लास्ट में काम देगा, कहाँ काम देगा, लास्ट में काम देगा, चलो इसको बैठाओ फटाफट, तो टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स एक्स का, एक्स बराबर क्या, तो एक्स बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और रूट अंडर का, ए स्क्वायर का, माइनस का, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के यहाँ पर क्या, ए साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, अब बोलेगा दोनों पर कैसे, तो स्क्वायर है ना, तो दोनों है ना, तो दोनों पर स्क्वायर देंगे ना, तो ए स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को दिक्कत है, अब ए स्क्वायर कॉमन ले लें, समय तो लगाया कि ए स्क्वायर क्यों माने थे, ए स्क्वायर कॉमन लेने के लिए, ए स्क्वायर कॉमन लेने के लिए, तो ले लेते कॉमन, तो टेन इनवर्स टेन, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो जाएगा ए स्क्वायर, जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ वन माइनस के माइनस, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पर क्या है रूट, क्या है रूट दे दिए, अब टेन इनवर्स बराबर, टेन इनवर्स बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए स्क्वायर को हम रूट के बाहर निकालेंगे तो ये को ये होगा होगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट के अंदर रह जाएगा क्योंकि ये तो बाहर निकल गया स्क्वायर हटाए तो, अब यहाँ ध्यान दे, अब मेरा हो गया यहाँ पर क्या, तो मेरा हो गया यहाँ पर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, और यहाँ थोड़ा घेर के लिख,
एस ए खत्म और साइन थीटा का साइन थीटा यहाँ देख रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर खत्म बचेगा क्या कोस थीटा क्या बचेगा आप तुम लोग को बताया कि साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है तो टेन इनवर्स क्या आ जाएगा टेन थीटा और टेन इनवर्स टेन इनवर्स अच्छा टेन इनवर्स टेन खत्म तो बचा थीटा क्या और थीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे थीटा यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बटा ए सरलतम रूप हो गया समझ तुम लोग आया आ तो ये इतने तक रख अब धुंधला हो गया होगा नौ तक हुआ है कल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे 21 को है ना इतना बन के आना चाहिए ठीक है।